यार अपने को काम मिला है जबरदस्त, देख रहो इसे बोलते हैं मुर्गा। हे गाइज वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई अभी के बज के सभी करना हो तो मैं भी मेरे और सभी भाई को पैर से नन्नी सी गुड मॉर्निंग। तो यार आज का लोकेशन है हमारा कृषि मंडी बिछिया, देख रहा पूरा मंडी है भाई, अनाज मंडी है। तो आज कब लोग में देखने को मिलेगा, आज कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, आज सिर्फ गाड़ी का काम दिखाते हैं आपको कि हमारी गाड़ी में न्यू वाली गाड़ी बोलेंगे भाई, न्यू गाड़ी में काम क्या करवाते हैं, क्योंकि इसको लंबा रूट के लिए तैयार करना है। तो ठीक है अभी मैं दिखाता हूँ अपनी गाड़ी। तो ठीक है जब तक आप वीडियो कर दो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना अपनी न्यू वाली गाड़ी कैसी लग रही है। ठीक है चैनल नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं दिखाता हूँ अपनी न्यू वाली गाड़ी भाई। तो ये रहा अपना न्यू वाली गाड़ी, देख सकते हैं CG04MK 2677 CG वासिंग है, छत्तीसगढ़ वासिंग। और देख रहा मतलब ठीक ठाक लग रहा है, डेंटिंग वैंटिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका काम होना है, कमानी का काम होना है भाई, पीछे डालो में चारों बुशिंग कराते हैं पीछे पीछे का बस। और ये बैटरी बॉक्स ओपन है यार, कोई भी उठा ले जाएगा, लेकिन इसको भी बनवा लेंगे जब लंबा लुक कर लेंगे। और ये सामने वाली भी गाड़ी अपनी सेठ जी का ही है, कंपनी का ही है, दो गाड़ी हैं आगे भी है और ये दोनों छोटी गाड़ी भी हैं। और यहाँ अपना सेठ जी का ऑफिस भी है सामने, ऑफिस के सामने ही गाड़ी खड़ी है, वही जो शटर दिख रहे हैं दो, वो अपना ऑफिस भी है। और ये रही गाड़ी अपनी भाई। तो अभी आ गया मैं अंदर गाड़ी के अंदर, और गाड़ी थोड़ा गंदी है, कोई बात नहीं क्योंकि ना अभी फर्स्ट ही है। तो अभी दिखा दें आपको, ये देख रहा मतलब एकदम सादा सिंपल, अभी कुछ भी नहीं हुआ है भाई। ये तो मेरा पुराना वाला गलीचा है, जो पुरानी वाली गाड़ी में आप देख ही लिए होंगे, देखो गाड़ी में कुछ नहीं है। और गाड़ी थोड़ा सा गंदी पड़ी है यार, देखो सामान वामान सब ऐसे कचड़े छड़े डले पड़े हैं, और इधर भी डस्टबोर्ड में देखो, क्योंकि गाड़ी खड़ी व्यस्त थी ना, कुछ हुआ ही नहीं था, तो एकदम गंदा है, वॉशिंग कराना पड़ेगा एक बार। गाड़ी में कुछ नहीं है भाई, अभी इसको मतलब डेकोरेशन सारा कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ना अभी थोड़ा दिन इधर लोकल ही चलना होगा। तो देखते हैं जब तक वॉशिंग तो करा ही लेंगे भाई, क्योंकि ऐसा गंदी हालत में तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमको 24 घंटा यहाँ रहना होता है ना, तो इसको साफ अप करा देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कुछ डेकोरेशन भी सही शॉर्ट कराते हैं अंदर बाहर का। एकदम क्या बोलते हैं इसको, खुला खुला सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा गाड़ी में है क्या। तो सबसे पहले तो इसको कराते हैं, देखते हैं एक दो दिन में जब तक हो जाता है, अपने पास मनी प्रॉब्लम है ना वो आ जाता है, तो वो करा लेते हैं, फिर इसको लंबा रूट लेके जाएंगे। तो भाई अभी मैं बस सो के बस उठा था ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार, मेरे को 9 बजे गाड़ी वहाँ लगाने के लिए बोले थे, पर 9 तो यहीं बज गया, क्या कर सकता हूँ, बहुत टाइम से उठा ना। तो अभी फटाफट से जाता हूँ, चाय पी के आता हूँ, चाय नाश्ता जो भी करना था वो करके आता हूँ, फिर यहाँ से फटाफट से चलते हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी का कुछ चेक भी नहीं किया, ऑयल पानी कुछ चेक नहीं किया, तो वो करने में थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, चाय पानी जो भी करके आता हूँ, फिर यहाँ से निकलेंगे, दुकान जाते समय आप लोगों से मिलते हैं। भाई तो अभी बिछिया से बाहर आ गए, दुकान के लिए निकल गए हैं, और जा रहा है सीधा सीधा दुकान के लिए, क्योंकि काम कराना है ना अपने को। तो पूरा बिछिया सिटी से बाहर आने के बाद अपने को कैमरा ओपन किया यार, क्योंकि अकेले होते हैं ना दिक्कत होती है। भाई हम तो पहुंच गए वहाँ जहाँ हमको कराना काम, और मिस्त्री साहब ही काफ़ी ज़्यादा लेट हैं यार, अभी तक आए नहीं हैं, बाकी आ जाए तो कराते हैं काम फटाफट स्टार्ट। ये रही इनकी दुकान, और ये जो है ना इसका और इसका दोनों, इस साइड और उस साइड का दोनों का कराना है अपने को, दोनों को कमानी उतार के
सेंट्रल पर डलवाना है और बुशिंग भी करवा देते हैं चारों का। खुलेगा तो बुशिंग भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब काम स्टार्ट हो जाता है फिर देखते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। भाई यार वो मिस्त्री ना दो घंटे समय बर्बाद करने के बाद मना कर दिया, लड़के नहीं आ पाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो अभी मैं दूसरी दुकान में आ गया और अपनी गाड़ी रिवर्स में लेके जाते हैं और लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी भाई आज, क्योंकि ना मेरे को दो टायर खोलना ही पड़ेगा यार, और कोई अकेला हूँ तो दिक्कत ये बनती है कि अकेले में टायर खोलने में बहुत ज़्यादा, और मशीन है ही नहीं ना आस पास, नहीं तो मशीन से ढीला करवा लेते और ला के लगा देते। बाकी ठीक है, गाड़ी लगा लेते हैं फिर भाई। तो अभी अपना गाड़ी लग गया और मिस्त्री काम स्टार्ट भी कर दिए, देख रहा हूँ क्या करें यार। अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो मेरे को, क्योंकि ना ये बीच वाले टायर अपने को खोलना है ये, और अकेले में खोलना अब क्या ही बोले, सोच के ही चक्कर आने लगा है, कैसे क्यों समझ नहीं आ रहा। तो चलो मैं तो टायर ढीला नाटा ढीला करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, तो कराते हैं काम। ओह भाई थक गया यार, अभी अपन ने टायर तो खोल दिया, देख रहे हो सामने ले गया टायर, एक खुल गया, अब ये उतरेगा इसकी कमाने, देख रहा और मिट्टी साफ कर रहे हैं सामान को, सफाई देखो सफाई हो रहा। और बाकी रहा अपना सामान, जो इसका जो सामान होता है ना वो अभी आएगा थोड़ी देर से, फटाफट से हो जाएंगे। फिर उस साइड का भी खोलना है भाई, उस साइड चेक लगा कर बस रखा हूँ, नट ढीले कर दिया, बाकी खोला नहीं, टायर लगे हुए हैं, ढीला बस हुआ है, एक एक साइड का करना पड़ेगा ना। यार अपने को काम मिला है ज़बरदस्त, देख रहा हूँ इसे बोलते हैं मुर्गा, इसे मैं करा के ला रहा हूँ। ये मेरा तीन ख़राब हो गया था तो तीनों को ही ठीक करवा के ला रहा हूँ पीछे से, और अभी अपनी गाड़ी वो रहा, देखते हैं कितना काम हुआ है। पूरा दिन लग गया यार आज, और ये भी पता नहीं कि आज पूरा कंप्लीट हो पाएगा, तो ये भी पता नहीं है, लोग कर तो रहे हैं। भाई तो हो गई लगभग काम, ये टायर भी हो गया और ये वाला भी हो गया, बच गया सिर्फ ये वाला, नहीं वो भी हो गया भाई, चारों सेंटर बोल चाहिए, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और इसका तो हो रहा है, हो ही गया, इसका भी हो गया। तो अभी शाम तक काम कंप्लीट हो ही जाएगा। ये बनता है हमारा तीन, भाई तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया यार, और सारा दिन इसी में निकल गया, चार कमाने खुला अपना ना,
और मेरे को दो टायर खोलना पड़ा, इसी में सारा दिन निकल गया यार। और अभी का पूरा काम, मतलब पूरा काम तो नहीं हुआ जितना, लेकिन चारों कमानी के सेंटर बोल्ट डल गया और पूरा पिनियन, पूरा बुशिंग वुशिंग सारा चीज़ हो गया। देखते हैं कल का थोड़ा सा काम बच जाएगा, क्या ना वो बोलते हैं रकाब खींचना, वो बच जाएगा। यू बोल्ट का जो रकाब होता है ना, वो यू बोल्ट टाइट करने का, उसको रकाब बोलते हैं, वो खींचना बच जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो उसको थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो कल कराते हैं। आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया यार, तो जो भी छोटा मोटा काम है वो कल कराते हैं। हम देखते हैं हल्का फुल्का काम बचा होगा, ज़्यादा तो नहीं, तो वो कल होगा। तो ठीक है, अभी हो चुका है शाम, तो ये वाला ब्लॉग को करना पड़ेगा एंड। मिलते हैं कल सुबह, और कल ही बताता हूँ कि क्या काम और कराना है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।